Yes, good morning all of you. We are from Raisen Public School and today we are starting class 8 English chapter number 2, The Making of Missile Man, The Missile Man of India. आज हम जो पढ़ने वाले हैं, जो हमारे भारत के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, भारत के मिसाइल मैन भी रहे हैं, अब्दुल कलाम, उनके पूरे जीवन के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनकी लाइफ किस तरह से स्ट्रगल में रही हम ये पढ़ने वाले हैं। हम उनकी लाइफ से रिलेटेड इनिशियल जो पॉइंट्स हैं, उनकी लाइफ हिस्ट्री कैसी रही, वो किस तरह से अपना जीवन जिया करते थे, किन विषम परिस्थितियों में जीवन जीकर वो एक राष्ट्र के बहुत सबसे ऊंचे स्थानों पर भी वो पहुंच गए, जहां पर उन्होंने अपने राष्ट्र में रहते हुए और उसको ऐसी ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया जो कि बिना उनके संभव नहीं था। उन्होंने पोखरण परीक्षण को बहुत सक्सेसफुल बनाया था। हाँ, हम इस चैप्टर में थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, हम इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं उसमें मेजर पॉइंट्स हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कलाम मींस लाइफ हिस्ट्री ऑफ कलाम, कौन थे, क्या थे, कहां से उन्होंने अपने लाइफ स्टार्ट की थी, ठीक है, ये सब चीजें हमको इस चैप्टर में मेजर पढ़ना है। कैरियर एज ए साइंटिस्ट पढ़ना है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स उनको कौन कौन सी मिली थी वो पढ़ना है, फेमस राइटिंग्स कौन सी थी और फेमस सेइंग ऑफ कलाम जो है उन्होंने उनको क्या क्या कहते थे, ठीक है। नॉर्मली जो कलाम है वॉज नोटेड फॉर हिज इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी के बारे में मींस वो सभी को मिलाने वाले थे, वो लोगों को एक करने वाले व्यक्ति रहे थे। हम यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोड्यूसिंग कलाम। तो कलाम जो है 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे थे, 25 जुलाई 2002 से उन्होंने टाइम पे रहा है उनका, तो वो उस समय बने थे। फुल नेम वाज अबुल पाकिर जैनुलाबुद्दीन अब्दुल कलाम, उनका वो पूरा नाम था, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ ऑफ 15th of October 1931, ठीक है, ये याद रखना हमको। और उनका जो बर्थ प्लेस जो रहा था वो था रामानंदपुरम डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु इंडिया में। वो उनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 27th जुलाई 2015 में, और उस समय उनकी उम्र थी 83। शिलोंग में जब वो एक लेक्चर दे रहे थे उस समय उनकी डेथ हो गई थी, अचानक कार्डियक अरेस्ट उनको आ गया था, ठीक है। उनकी नेशनलिटी इंडियन रही थी। वो प्रोफेशन उनका प्रोफेसर रहे थे, मीन्स वो लेक्चर्स दिया करते थे। वो बहुत अच्छे ऑथर्स थे, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, ठीक है। उनमें स्पेशल किताबों के नाम हम यहाँ पर आगे देखेंगे उसको, ठीक है। वो एरोस्पेस साइंटिस्ट भी रहे थे। हम यदि उनके रिलीजन की बात करते हैं तो उनका रिलीजन जो था वो इस्लाम था, लेकिन उनको गीता का और कुरान का बहुत अच्छा ज्ञान भी था। मीन्स वो धर्म, इंसान, इंसानियत को ज्यादा महत्व दिया करते थे, धर्म और संप्रदाय के ऊपर उठकर वो ऐसे व्यक्ति थे जो उन सबसे ऊंचे उठे हुए थे। उनको अवार्ड जो मिले थे वो भारत रत्न 1997 में मिला था, पद्म विभूषण 1990s में मिला था और पद्म भूषण 1981 में मिला था। उनके हमने सिग्नेचर यहाँ पर नोटेड किए हुए हैं, आप बिल्कुल देख सकते हैं। देखिए, हम लाइफ ऑफ कलाम की बात करते हैं तो अब्दुल कलाम जो थे, अबुल पाकिर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम वाज बोर्न ऑन 15th of October 1931 टू ए तमिल मुस्लिम फैमिली इन द इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु। मतलब ये है कि उनका जो जन्म है वो 15 अक्टूबर 1931 को एक मुस्लिम फैमिली में, जहां पर कि इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु का जो भारत का जो तमिलनाडु है वहां पर उनका जन्म हुआ था, ठीक है। उसके जो उनके जो फादर थे, ठीक है, उनका नाम था जैनुलाबुद्दीन, ठीक है। वो एक बोट उनके पास में थी और वो बोट को चलाया करते थे, बोट में लोगों को बिठाते थे और दूसरी तरफ ले जाते थे,
ठीक है, और वहां से फिर लोगों को लेकर आते थे, इस तरफ छोड़ देते, मीन्स बोट का व्यवसाय करते थे, बोट से पैसे कमाया करते थे। उनकी जो मदर थी वो हाउस वाइफ ही थी, ठीक है। हिज मादर वो फादर ओन्ड ए फेरी, उनकी खुद की एक फेरी थी, मींस उनकी खुद की नाव थी जिसको वो चलाया करते थे। और वो जो जहां पर चलाते थे वहां पर हिंदू यात्री रहा करते थे, जो कि रामेश्वरम से एक जगह थी जो कि अब वहां पर नहीं है, उसका नाम था धनुषकोडी, ठीक है। धनुषकोडी जो है जगह का नाम था, ठीक है। तो वहां पर लेकर जाते थे, है ना, नदी के द्वारा, ठीक है, वहां से लोगों को फिर से लेकर आते थे, ये उनका काम था। अब एक जो एक और चीज थी कि ही केम फ्रॉम ए पुअर बैकग्राउंड, वो बहुत ही गरीब घर से आए हुए थे, ठीक है। उनका उनका घर में घर की स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर थी, इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा वीक थे, लेकिन इसके बाद भी वो बहुत मेधावी थे, वो बहुत इंटेलिजेंट थे। ही स्टार्टेड वर्किंग एट एन अर्ली एज टू सप्लीमेंट हिज फैमिलीज इनकम, मींस उनको उस समय एहसास हो गया था कि मुझे अपने अपनी परिवार के लिए कुछ करना चाहिए, मेरा परिवार जो है वो इकोनॉमिकली वीक है, तो मैं उन पर हमेशा के लिए बोझ ना बनूं, मैं उनके साथ में काम कर सकूं, मैं उनके साथ में मैं कुछ अर्न कर लूं, ऐसा वो सोचा करते थे। और छोटे से ही समय में वो इमलियों को क्या करते थे, इमली के पेड़ के नीचे से इमली कलेक्ट करते थे, उनके सीड्स को कलेक्ट करते थे, इकट्ठा कर लेते थे, और उसके बाद उनको बेच दिया करते थे। और इसके अलावा भी वो काम करते थे, वो पेपर सुबह उठते थे जल्दी और वो पेपर सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करने जाया करते थे। मीन्स एक ऐसा परिवार का बालक जो बहुत ही ज्यादा गरीब स्थिति में है, वो एक राष्ट्र का नायक बन गया था। हम आज उन्हीं की कहानी पढ़ रहे हैं। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ पर हम लाइफ ऑफ कलाम की बात कर रहे हैं, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, अब्दुल कलाम हैड टू फेस ए लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन परसुइंग हिज स्टडीज, ठीक है। उनकी पढ़ाई में, यदि हम पढ़ाई की बात करते तो पढ़ाई करने में भी उनके पास पैसे नहीं थे, ठीक है, तो वो अपनी पढ़ाई वो नहीं कर पा रहे थे, उनको कई सारी समस्याएं आ रही थी। इन ऑर्डर टू हेल्प द फैमिली थ्रू द क्राइसिस, कलाम कलेक्ट द टैमरिंड सीड एंड सोल्ड देम टू ए सो। उस क्राइसिस को दूर करने के लिए कलाम जो है वो इमली के पेड़ में से, पेड़ के जो जो सीड्स होते थे, इमली के जो फल होते थे, उसके सीड्स निकालते थे, उनको बेचा करते थे, जिससे कि उनको कुछ पैसे मिल जाएं। और कितने पैसे मिलते थे उनको, उनको 6 पैसे मिलते थे, ठीक है, जिसको हम 1 आना भी कहते हैं, ठीक है। ही ऑल्सो कलेक्टेड पॉपुलर न्यूज़पेपर, वो पॉपुलर न्यूज़पेपर कलेक्ट करते थे, जिसका नाम क्या था, जो तमिल में था, दीनामणि, तमिल दीनामणि के नाम से जो पेपर था उसको वो कलेक्ट करते थे। एट रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पर वो वहां पर काम किया कर, रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि रेलवे में जो लोग होते हैं वो न्यूज पेपर पढ़ते पढ़ते अपने टाइम पास करते हैं, तो न्यूज पेपर बेचा करते थे वहां पर, ठीक है, ताकि वो अपने परिवार को हेल्प कर सके। उनके साथ में उनका कजिन जो था समुद्दीन, ठीक है, भी वो भी यही काम करता था। हाँ, और इसके लिए कलाम को बहुत कम पैसे मिलते थे, लेकिन उनके अंदर एक विश्वास जागता था, वो अपनी फैमिली को हेल्प कर रहे हैं, वो सोचा करते थे कि थोड़े समय में मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट तो कर पा रहा हूँ, ऐसा वो सोचा करते। मीन्स शुरू से ही उनके अंदर ऐसी प्रतिभाएं थी जो बता रही थी कि भविष्य में ये राष्ट्र का को संभालने वाले, उसको एक आगे बढ़ाने के लिए ये स्टेप्स लेने वाले हैं, आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट करने वाले हैं। हाँ, हमने यहाँ पर लाइफ ऑफ कलाम के कुछ यहाँ पे चित्रित किए हैं। सबसे बचपन का फोटो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये सबसे छोटे वाला है ना। इसके बाद में थोड़े से वो उनकी एज, स्कूलिंग का समय का एज जो है, टाइमिंग है, वो यहाँ पर हमको दिख रहा है। उसके बाद कलाम जो थोड़े से और एज हो गए थे, ठीक है, और जब वो वहां पर इसरो वगैरह में काम करते थे, जब वो प्रेसिडेंट बन गए थे वहां के कमेटी के, और इसके बाद में फिर बहुत एज होने के, जब लेक्चर्स लिया करते थे, उस समय का फोटो भी हमने यहाँ पर लिया हुआ है। मींस कलाम के यहाँ पर सभी प्रतिरूप हमको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। हम देखिए अब लाइफ ऑफ कलाम की बात कर रहे हैं, हम स्कूलिंग की बात कर रहे हैं। ही वॉज ईगर टू लर्न, मीन्स उन्हें बहुत ज्यादा इच्छा थी कि वो नॉलेज को प्राप्त कर ले, वो नॉलेज को प्राप्त करने के लिए सब काम
कर जाया करते थे, मींस स्टडीज में वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेट हुआ करते थे, वो कभी भी पीछे नहीं रहना चाहते थे। लर्न अबाउट एवरीथिंग, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस एंड तमिल वर हिज फेवरेट सब्जेक्ट। जो जो जिन सब्जेक्ट से बच्चे डरते हैं वो उनके फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करते थे। मींस क्योंकि उनको वो उनके अंदर जो डिजायरनेस ऑफ नॉलेज जो था वो तो बहुत ज्यादा था। ही हैज रिटन मेनी पिकनिक्स इन इन तमिल एज वेल एज इन इंग्लिश। फोनिक्स लिखा है ना, मींस कई सारी चीजें उन्होंने तमिल और इंग्लिश में लिखी हुई थी। और बहुत सारा टाइम जो है वो समुद्र के किनारे पर बिताया करते थे। उनको समुद्र को देखना बहुत अच्छा लगता था, और इसके साथ में वो पक्षियों को देखना भी, बर्ड्स जो है ऊपर उड़ते हुए जा रहे हैं उनको वो देखना भी बहुत ज्यादा पसंद था। इसका मतलब ये भी है कि जो अब्दुल कलाम थे बहुत आशावादी व्यक्ति थे। वो चाहते थे कि मैं जो है बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचूं और अपने राष्ट्र को भी बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाऊं। ही विज्ड ऑल्सो टू फ्लाई लाइक दैट, और वो सोचा करते थे इन पक्षियों की तरह मैं भी उड़ जाया करूं। मतलब वो चाहते थे कि मैं भी एक बहुत अच्छा पायलट बन जाऊं और एरोप्लेन में मैं भी सफर करूं। दिस पैशन फॉर द फ्लाइंग इंस्पायर्ड अब्दुल कलाम, और यही उड़ने का जो उनका जो सपना था वो अब्दुल कलाम को हमेशा इंस्पायर करता था। हाँ, टू डिजाइन, अब देखिए, इंस्पायर्ड अब्दुल कलाम टू डिजाइन SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। उन्होंने SLV-3 बनाई बनाया था, और इसी कारण मैंने कहती कि उनका सपना ही ये था। ही स्टडी टिल 10:30 PM, वो पढ़ाई जो है लगभग 10:30 बजे रात तक रोज करते थे। देखिए, हम एक दिन पढ़ने वो अलग चीज है, लेकिन कंसिस्टेंसी, परसेवेरेंस होना जरूरी है, कंटिन्यूटी जरूरी है। यदि आप कंटिन्यू 10:30 बजे तक पढ़ें तो आप भी अपने स्टडीज में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। वो वैसा ही करते थे, कंटिन्यू पढ़ते थे। ठीक है, देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी, और कंडीशंस कैसी थी कि घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। इन हिज हाउस ही हैड टू स्टडी इन द डिम लाइट ऑफ केरोसिन लैम्प। केरोसिन लैम्प की डिम लाइट में पढ़ते थे। हिज क्लोज फ्रेंड वॉज रमन धा शास्त्री। ठीक है, उनका जो बहुत अच्छा मित्र जो था वो रमन धा शास्त्री था। वेदर वॉज द हाई प्राइस्ड ऑफ रामेश्वरम टेम्पल रमन धा। ठीक है, तो रमन जो रामेश्वरम टेम्पल के जो उनके जो पिताजी थे वो वहां के पंडित रहा करते थे, और उनका जो वो फ्रेंड था वो दोनों साथ में रहा करते थे। और टुगेदर इन क्लास वन डे इन न्यू टीचर। हाँ देखिए, वो दोनों साथ में रहा करते थे, हमेशा साथ में थे। कहानी यहाँ से थोड़ी ट्विस्ट करती है। एक दिन की बात है कि उस स्कूल में एक नया टीचर आया है ना, उस क्लास में एक जब नया टीचर आया तो उसे लगा कि एक मुस्लिम स्टूडेंट है और एक हिंदू स्टूडेंट है, और हिंदू में वो भी पंडित, तो ये दोनों साथ नहीं बैठना चाहिए। उस समय जो जाति प्रथा थी वो भी बहुत ज्यादा रही थी, और प्रारंभिक भारत में इस तरह की कुरीतियां बिल्कुल रही थी जो जाति में जाति का भेदभाव किया करती थी। तो यहाँ पर भी जो हमारे अब्दुल कलाम जो रहे थे उन्होंने जाति प्रथा पर भी बहुत बड़ा आघात किया है कि इंसान है हम लोग, हमको जातियों से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। हाँ, हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ही कुड नॉट टॉलरेट ए मुस्लिम सिटिंग द नेक्स्ट टू ब्राह्मण। मीन्स उन्हें विश्वास ही नहीं था उस टीचर को कि क्या मुस्लिम जो है वो बच्चा जो है वो तो ब्राह्मण के साथ बैठ सकता है। एंड ही ऑर्डर्ड अब्दुल कलाम टू गो एंड सिट इन द बैक रो। ठीक, उनको कहा कि तुम पीछे जाकर बैठो। ठीक है, एंड रमंदा वॉज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स। जो रमंदा जो था उनका जो फ्रेंड था, ब्राह्मण फ्रेंड था, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। द एगोनी वॉज टू मच फॉर बोथ एंड बोथ कलाम टू बोथ फॉर बोथ कलाम एंड रमंदा। दोनों ही को अब अच्छा नहीं लग रहा था कि ये हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ, हम तो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, हमारे साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। व्हेन रमंदा फादर केम टू नो व्हाट हैपेंड इन द क्लास, जब रमंदा के फादर को ये चीज पता चली तो उन्होंने टीचर को बुलाया। ही टोल्ड द टीचर व्हाट ही हैड डन वुड ओनली ब्रीड कम्युनलिज्म। मीन जो ब्राह्मण जो उनके फादर थे उन्होंने कहा तुम क्या पढ़ा रहे हो, क्या तुम जो है कम्युनलिज्म को के बीज बो रहे हो, क्या तुमको ऐसा करना चाहिए। देयर वाज अनदर इंटरेस्टिंग इंसिडेंट इन द स्कूल लाइफ, और एक और दूसरा इंसिडेंट जो था वो एक और ये था कि हिज टीचर वाज वन
मिस्टर सिवारो शिवा सुब्रमण्य अय्यर, ही वॉज ए ब्रॉड माइंडेड पर्सन। उनके टीचर रहे थे जो ब्रॉड माइंडेड थे, शिवा सुब्रमण्यम अय्यर। उनके टीचर रहे थे, वन डे ही इनवाइटेड अब्दुल कलाम टू हैव लंच विद हिम, बट हिज वाइफ एंड ऑर्थोडॉक्स वुमेन। ठीक है, देखिए क्या था कि उन्होंने उनको लंच पर बुलाया, जो बुद्धिमान व्यक्ति थे, जो टीचर थे। ठीक है, तो उनकी जो वाइफ थी वो ऑर्थोडॉक्स थी, वो अंधविश्वासी थी। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स मीन्स अंधविश्वासी। और उन्होंने अब्दुल कलाम को खाना परोसने से मना कर दिया, बोले मैं परसों ये नहीं खाना। ठीक है, बट द टीचर हिमसेल्फ सर्व द फूड फॉर हिज फेवरेट स्टूडेंट विदाउट एनी हेजिटेशन। मीन्स उनके जो शिक्षक थे उन्होंने खुद कलाम को भोजन परोसा। ठीक है, मीन्स वो विश्वास करते, क्योंकि अब्दुल कलाम जो थे उनके फेवरेट स्टूडेंट रहे थे। हाँ, आगे देखिए, हिज वाइफ वाज द सीन, और उनकी जो वाइफ थी उस सीन को बिल्कुल देखती रही। द वेरी नेक्स्ट वीक ही सर्व्ड अब्दुल कलाम द लंच वेरी हैप्पीली। फ्रॉम द इंसिडेंट ही लर्न द परसेवेरेंस मेक्स मिरेकल। ठीक है, अब अगले दिन जो था अब्दुल कलाम को खाना उन्होंने ही परोसा। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर सहन शक्ति की भावनाएं थी, वो उन्होंने मींस उनके अंदर मिरेकल्स डेवलप हो गया था कि आखिर जो है ये जो बच्चा है कुछ भी नहीं कह रहा, इंसानियत उनको समझ में आ गई थी। ठीक है, एंड ही ज्वाइंड, अब देखिए वो थोड़े से आगे की स्टडी की बात करते हैं हम। ज्वाइन द बोर्डिंग हाई स्कूल एट रमंदमपुरम जो था, वहां पर उन्होंने बोर्ड स्कूल को ज्वाइन कर लिया। ही लर्न दैट डिस्ट्रेस बिलीव एंड एक्सपेक्टेशन आर द की ऑफ सक्सेस इन लाइफ। उन्होंने सीख लिया था कि जो है हम यदि आशाएं रखें तो हम अपने जीवन में सक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, ही वॉज द फेवरेट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल अमंग द टीचर्स। और धीरे धीरे करके उनकी पढ़ाई के प्रभाव से, उनके व्यवहार से, वो सभी टीचर्स में फेवरेट स्टूडेंट बन गए थे। ही ऑलवेज रिमेम्बर्ड द मोटो ऑफ हिज स्कूल, स्वॉर्ड्स हाई स्कूल, है ना। वो अपने जो है यादों में स्कूल का मोटो हमेशा रखते थे, लेट नॉट हैव विंग्स डे वी स्पेंड वैन। ठीक है, मींस एक दिन उनके विंग्स होंगे और वो उड़ रहे होंगे। When once gone, no gold can buy back them back. ठीक है, और हम यदि एक बार जो समय चला जाता है या हम एक जगह समय से गुजर जाते हैं, तो फिर से जब हम उसको वापस नहीं खरीद सकते, हम उसको फिर से वापस नहीं ला सकते हैं। हाँ, हम लाइफ ऑफ कलाम पर चल रहे हैं। ही नॉट ओनली रिमेम्बर्ड द वर्ड्स बट ऑल्सो एक्टेड अकॉर्डिंग टू बिकम एन इमिनेंट पर्सन। और वो यही सब टीचर्स की यादें जो थी अपने पास हमेशा समेटे रखते थे कि जो टीचर्स कहते हैं वो सही है, और पूरे जीवन भर उन्होंने उन्हीं उन्हीं के अकॉर्डिंग वो चलते रहे। ही वॉज ऑलवेज फैसिनेटेड बाय द मिस्ट्रीज ऑफ द स्काई। ही वॉज डिसाइडेड टू गो इन द एरोनॉटिक्स ब्रांच। ठीक है, वो चाहते थे कि वो आसमान के रहस्यों को सुलझाए। ठीक है, वो चाहते थे कि वो एरोनॉटिक ब्रांच में वो जाए। When he got admission in Madras Institute of Technology, जब उन्होंने MIT में एडमिशन लिया था, his father was not in a position to put the amount of the fee. Means उनके फादर के पास इतने पैसे थे ही नहीं कि वो उसका फीस को भर सके। लेकिन ठीक उसी समय में उनके उनका जो मेधावी जो वो इतने इंटेलिजेंट थे, इसको देखते हुए उनकी जो बहन थी वो सामने आई और उन्होंने उनकी पूरी फीस भरी थी। She decided to mortgage her ऑर्नामेंट्स टू राइज द रिक्वायर्ड फीस। मीन्स उन्होंने अपने पूरे गहने बेच दिए थे ताकि ताकि जो अब्दुल कलाम उनको उस MIT में एडमिशन मिल सके। ही वॉज बाय हर सिंपैथी एंड कंपेंसन दैट ही ज्वाइन द MIT कलाम बुक देन टू रिडीम द ऑर्नामेंट्स अर्ली एज पॉसिबल। और कलाम को ये भी याद था कि मैं जितने जल्दी हो सकेगा वहां से पढ़ाई कंप्लीट करके मैं पैसे को अर्न करके उनको और रमेंट को वापस ले लूंगा और फिर से उनको वापस लौटा दूंगा। मीन्स उनके अंदर इस तरह की भावनाएं भी रहा करती। द मोमेंट ही स्टार्टेड अर्निंग
ऑनर्ड हिज कमिटमेंट, और जब वो उन्होंने अर्निंग चालू की तब अपने कमिटमेंट को पूरा भी किया था, और उनके जो गोल्ड के जो ऑर्नामेंट थे उनको वापस उन्होंने फिर से लौटा भी दिया था। हाँ, हम यहाँ पे थोड़े से आगे बढ़ते हैं। जो कलाम थे उनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण के अवार्ड जो है वो भी मिला मिले थे। आगे उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके काम के कारण दिए थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट रहे थे, बहुत मेधावी वो रहे थे। यस, हम बात करते हैं उनकी एजुकेशन का एक सिस्टमेटिक वे में, वो किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ में पूरी प्रोग्रेस की, हम यहाँ पर वो अभी देखने वाले हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग स्कूल, जब उनका स्कूल कंप्लीट हो गया, कलाम डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स टू कंट्रीब्यूट टू हिज फादर्स इनकम, ये हम जानते हैं। इन हिज स्कूल ईयर्स ही हैड एवरेज ग्रेड्स, ठीक है, स्कूल के समय में जो अब्दुल कलाम थे बहुत ज्यादा मेधावी छात्र नहीं थे, बट वॉज डिस्क्राइब्ड एज ए ब्राइट एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। वो कैसे बच्चे थे, वो बहुत ज्यादा समझदार थे और वो बहुत मेहनत करते थे। मींस ये आप यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जो नॉलेज है वो किसी का दास नहीं हुआ करता है, वो उसका खुद ही दास बन जाता है, वो उस व्यक्ति के पास खुद ही नॉलेज आ जाता है जो उसको प्राप्त करने के लिए कंटिन्यू मेहनत करता है, ठीक है। तो ठीक वैसे ही मेहनत अब्दुल कलाम किया करते थे। मीन्स हमें भी यदि हम अपने आप को लगता हमें लगता है कि हम थोड़े से वीक स्टूडेंट हैं, यदि हम लोग मेहनत करेंगे तो हम लोग भी बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं। हु हैड ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लर्न, ठीक है, उनके पास में सीखने की इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा थी। स्पेंड आवर्स टू हिज स्टडीज, और वो घंटों अपनी पढ़ाई में बिता दिया करते, स्पेशली मैथमेटिक्स उनका बहुत फेवरेट रहा था। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन एट रामानंदपुरम स्वार्ड्स मैट्रिकुलेशन स्कूल, जब उन्होंने अपनी मैट्रिकुलेशन जो एजुकेशन को कंप्लीट किया था, कहाँ से, रामानंदपुरम स्वार्ड्स मैट्रिकुलेशन स्कूल से, वो उन्होंने सेंट जोसेफ्स कॉलेज को ज्वाइन किया जो तिरुचिरापल्ली में है, ठीक है। देन एफिलिएटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास जो एफिलिएटेड थी, एंड फ्रॉम वेयर ही ग्रेजुएटेड फिजिक्स, और वो इस तरह से फिजिक्स में ग्रेजुएट हो गए थे। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कोर्स ही वॉज नॉट एंथुजियास्टिक अबाउट द सब्जेक्ट, ठीक है, और वो सब कोर्स के एंड में वो सब्जेक्ट के प्रति बहुत ज्यादा फोकस नहीं थे, एंड वुड लेटर रेग्रेटेड द फोर इयर्स ही स्टडीड, ठीक, और वो चाहते थे कि मैं है ना बाद में पढ़ाई करूंगा, फोर इयर्स की जो पढ़ाई है वो मुझे आगे करूंगा, ऐसा वो सोचा करते थे, बाद का सोचा करते थे। लेकिन देखिए अब यहाँ पर उनकी स्टडीज उस समय भी मतलब वो बहुत अच्छे एजुकेशन में स्टडीज में नहीं थे, वो मेहनती तो थे लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट वो नहीं थे। हाँ, हम यहाँ पे देखिए उनकी एजुकेशन के बारे में, उन लोगों से मिला करते थे जो है ना, एक पिक है उनका बहुत ओल्ड वाला। हाँ, हम यहाँ पे एजुकेशन में, ही मूव्ड टू मद्रास 1955 टू स्टडी एरोस्पेस, एरोस्पेस में स्टडी के लिए मद्रास मूव किया, उन्होंने मद्रास गए, मद्रास एरोस्पेस इंजीनियरिंग इन मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहां से उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए 1955 में गए। एंड कलाम वॉज वर्किंग ऑन ए सीनियर क्लास प्रोजेक्ट, डीन वॉज डिससेटिस्फाइड, मीन्स वहां पर जो डीन थे वो उनके काम सेटिस्फाइड नहीं थे, तो वहां पर जो काम कर रहे थे कलाम जो है, ठीक है, प्रोजेक्ट पर काम कर रहे, तो उनके जो डीन थे उनके काम सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि उनकी जो प्रोग्रेस थी बहुत ज्यादा धीमी थी, बहुत ज्यादा कम थी उनकी प्रोग्रेस, एंड थ्रेटेंड टू रिवोक हिज स्कॉलरशिप, और उनको डर था कहीं ऐसा ना हो कि कलाम के कारण उनकी स्कॉलरशिप रुक जाए, उनका जो काम है और पूरा प्रोजेक्ट में जो अमाउंट आता है गवर्नमेंट जो पैसा देती है वो कहीं रुक ना जाए, भी उनको डर था, ठीक है। अनलेस द प्रोजेक्ट वॉज फिनिश्ड विद इन द 3 years नेक्स्ट 3 days, और उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने कलाम को बोल दिया कि तुम्हें अगले 3 दिन के अंदर अपना प्रोजेक्ट खत्म करना है, ठीक है। कलाम मेड द डेडलाइन, ठीक, और कलाम ने जो डेडलाइन से थोड़े से पहले उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके उनको दे दिया, क्योंकि वो इंटरनली बहुत मेहनती थे, एंड इम्प्रेसिंग द डीन, और उन्होंने डीन को इम्प्रेस भी कर दिया, हु लेटर सेड टू हिम, और डीन ने फिर उनसे क्या कहा
आई वॉज पुटिंग यू अंडर स्ट्रेस, ठीक है, मैंने तुम्हें अंडर स्ट्रेस में रखा है, मैंने तुम्हें तुम्हारे ब्रेन को स्ट्रेस दी है, एंड आस्किंग यू टू मीट ए डिफिकल्ट डेडलाइन, और मैंने तुम्हें बहुत कठिन डेडलाइन दे दी थी. ही नैरोली मिस्ड द अचीविंग हिज ड्रीम. एक चीज और उनकी कहानी में आया करती है कि उन्होंने उनका ओरिजिनल जो लक्ष्य था उनको उसने मिस्ड कर दिया था, क्योंकि वो ही प्लेस द नाइन्थ इन द क्वालिफायर्स, क्योंकि जो आसमान में उड़ने की जो इच्छा थी उनमें वो 9वें नंबर पर थे और उसमें पोजिशन सिर्फ 8 थी, मीन्स 8 लोगों की भर्ती होना था और वो 9th पोजिशन पर आए थे, इसलिए उन्होंने वो अपने जो एम था उनका उनको मिस कर गए थे और उनका फिर जो सिलेक्शन है IAF में नहीं हो पाया था. आगे देखिए, हाँ यहाँ पर वो एज ए टीचिंग हमको दिख रहे हैं कि वो एज ए प्रोफेसर रहे हैं, टीचिंग उनको कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों को भी वो बहुत सारी बातें सिखाया करते थे, पढ़ाया करते थे. आगे देखिए यहाँ पर कैरियर एज ए साइंटिस्ट, फिर उसके बाद वो साइंटिस्ट के क्षेत्र साइंटिस्ट बन गए थे, उस क्षेत्र में वो उनका कैरियर आगे बढ़ गया था. आफ्टर ग्रेजुएशन ग्रेजुएटिंग फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन 1960s से जब उन्होंने ग्रेजुएशन की 1960 में, द एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द डिफेंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO में उनका सिलेक्शन एज ए साइंटिस्ट हो गया था. He started his career by designing a small helicopter for the Indian Army. उन्होंने अपने जो करियर स्टार्ट किया था वो इंडियन आर्मी के लिए, रक्षा के लिए स्टार्ट किया था. वो ऐसा हेलीकॉप्टर बनाना चाहते थे जो आर्मी के लिए बहुत कंफर्टेबल रहे, बट रिमेंड अनकन्विंस्ड बाय हिज चॉइस जॉब ऑफ DRDO. लेकिन DRDO में उनके तरह उनकी जो चॉइस का जॉब उनको नहीं मिला. कलाम वॉज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ INCOSTAR कमेटी, कि वो पार्ट भी रहे थे, वर्किंग अंडर द विक्रम साराभाई द रिनोव्ड स्पेस साइंटिस्ट, ठीक है, वहां पर उन्होंने उस कमेटी के अंदर में काम किया जो विक्रम साराभाई के द्वारा एस्टेब्लिश रही थी, तो उनके अंडर में चला करती थी. इन द कलाम इन 1969 कलाम वॉज ट्रांसफर टू द इंडियन स्पेस रिसर्च, और वहां से कलाम जो है उन्होंने अपने आप को वहां से उनको भेज दिया इसरो, जिससे हम उनको जानते भी हैं कि उनकी पहचान यहाँ से मिसाइल मैन के रूप में हुई थी. और इसरो में पहुंचकर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पहला SLV थ्रेडर बनाया था, मींस फर्स्ट प्रोजेक्ट उनको जो मिला था, इंडिया द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की जो कैपेसिटी भारत में एस्टेब्लिश की थी वो कलाम ही थे जिन्होंने सक्सेसफुली काम को किया था. सक्सेसफुली डिप्लॉयड द रोहिणी सैटेलाइट इन द नियर अर्थ ऑर्बिट इन जुलाई 1980 में, उन्होंने अर्थ की ऑर्बिट में SLV 3rd को एस्टेब्लिश कर दिया था. एंड कलाम वॉज द फर्स्ट स्टार्टेड वर्क ऑन एन एक्सपेंडेबल रॉकेट प्रोजेक्ट डिपेंडेंटली एट द DRDO. और भी वहां पर पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने की रॉकेट प्रोजेक्ट पर इंडिपेंडेंटली काम किया था 1965 में. उसके बाद में इन 1969 कलाम रिसीव द गवर्नमेंट अप्रूवल एंड एक्सपांडेड द प्रोग्राम इनक्लूड द मोर इंजीनियर्स, ठीक है, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स को उन्होंने जो है अप्रूवल मिला था उनको, ताकि मोर इंजीनियर्स जो उसमें इंक्लूड होकर उस काम को और जल्दी से कंप्लीट कर सके. आगे देखिए, एज ए साइंटिस्ट उनका कैरियर हमको यहाँ पर दिख रहा है ना. अब यहाँ पर हमको बहुत सारी मिसाइल्स उन्होंने लॉन्च की थी उनको हमें यहाँ पर दिख रहा है, नाग दिख रहा है, अग्नि मिसाइल दिख रहा है, ठीक है, ये देखिए लॉन्चिंग स्टार्टिंग है, ठीक है. इस पिक्चर के द्वारा हम बता रहे हैं कि एज ए मिसाइल मैन उन्होंने बहुत सारा काम किया था. आगे देखिए, यहाँ पर एक मिसाइल लॉन्च होती हुई दिखाई दे रही है, कलाम के जो सपने थे वो यहाँ से पूरे हो रहे थे. आगे देखिए, कैरियर एज ए साइंटिस्ट कंटिन्यू एट DRDO, फिर से DRDO आए थे. एंड कलाम सर्व एज अ चीफ साइंटिस्ट एंड एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर एंड द सीक्रेटरी ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मीन्स वहां पर वो एडवाइजर बन गए थे प्राइम मिनिस्टर के लिए और सीक्रेटरी
सीक्रेटरी डिफेंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो है वो लोग रखा करते थे 1992 से 1999 तक। पोखरण का जो मैंने आपको बताया था, पोखरण का जो परीक्षण हुआ था वो भी इन्हीं इसी समय में हुआ था, जिसमें कलाम जो एज ए चीफ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर रहे थे। देखिए एक वाक्य यहाँ पर रहा था, ऑन 10th July 2002 की बात है ये, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए विच वॉज इन पावर एट द टाइम, और उस समय एनडीए का जो पावर, एनडीए जो थी वो पावर में थी, एंड एक्सप्रेस दैट दे वुड नॉमिनेट कलाम फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, और उन्होंने कलाम को प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए उन्होंने नॉमिनेट किया था। ठीक है, वो द समाजवादी पार्टी एंड द नेशनल कांग्रेस पार्टी वेट हिज कैंडिडेट, और जैसे ही कलाम को आगे लाया गया था वैसे ही नेशनल कांग्रेस पार्टी, जिसको हम कांग्रेस पार्टी के नाम से भी जानते हैं, उसने और समाजवादी पार्टी के जो भी नॉमिनेटेड थे किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए। मींस जैसे ही कलाम का नाम सामने आया बाकी सब लोग पीछे हो गए, ये रुतबा उस समय कलाम कर रहा था। इन सपोर्ट आफ्टर द समाजवादी पार्टी अनाउंस द सपोर्ट ऑफ कलाम, और उन्होंने कहा कि हम भी कलाम का सपोर्ट करते हैं। ठीक है, एंड नारायण चूज टू सीक ए सेकेंड इन टर्म्स इन ऑफिस लीविंग द फील्ड क्लियर, और तुरंत जो है सेकेंड्स में ही कलाम को प्रेसिडेंट के लिए चूज कर लिया गया था। हाँ, और जब उनको प्रेसिडेंट्स के लिए चूज कर लिया गया था तो उनके सब यहाँ पर हमने बताए हैं, आई एम रियली ओवरवेल्म्ड एवरीवेयर बोथ इन द इंटरनेट एंड इन अदर मीडिया, आई हैव बीन आस्क्ड फॉर अ मैसेज, आई वॉज थिंकिंग दैट मैसेज कैन गिव टू द फॉर द कंट्री एट दिस जंक्शन। मीन्स कलाम ने ऐसा बताया कि मैं बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो रहा हूँ, मैं सब जगह छाया हुआ इंटरनेट पर भी और मीडिया में भी। ठीक है, और मैं सोच रहा हूं कि मैं आप लोगों का जो आई कैन, मैं आप लोगों का आभारी हूं। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा। अब देखिए हम यहां पर उनके अवार्ड्स और उनके ऑनर्स की बात करते हैं, तो 79th बर्थडे है ना, कलाम 79th बर्थडे वाज रिकॉग्नाइज्ड द वर्ल्ड स्टूडेंट डे। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे इज ऑन द उनके 79th बर्थडे पर डिक्लेयर किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा, मींस भारत ने नहीं लेकिन यूनाइटेड नेशन में इंटरनेशनली वर्ल्ड स्टूडेंट डे को डिक्लेयर किया था, क्योंकि काम इस तरह के थे। ही वाज आल्सो रिसीव्ड द ऑनररी डॉक्टरेट्स फ्रॉम द 40 यूनिवर्सिटीज, 40 ऐसी यूनिवर्सिटी रही थी जिन्होंने अब्दुल कलाम को डॉक्टर की उपाधियां दी हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑनर्ड हिम द पद्म भूषण इन 1981, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें जो है 1981 में पद्म भूषण अवार्ड दिया, पद्म विभूषण इन 1990 में, 1990 में उन्हें पद्म विभूषण के अवार्ड मिला। विद इसरो एंड डीआरडीओ एंड हिज रोल एज ए साइंटिस्ट एडवाइजर एंड गवर्नमेंट टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के एक ऐसा साइंटिस्ट जो उनको एडवाइज कर सकता है गवर्नमेंट को, उसके रूप में भी वो इसरो और डीआरडीओ के साइंटिस्ट रहे। In 1997, the Kalam received India's highest civilian honor, the Bharat Ratna. उन्हें 1997 में भारत रत्न दिया गया for his contribution to the scientific research and modernization of the defense technology in India. क्योंकि उन्होंने भारत में modern technology को उन्होंने ला दिया था। In 2005, Switzerland declared the 26th May as a science day to commemorate Kalam's visit to the country. Means जब स्विट्जरलैंड में कलाम गए थे तब उस दिन 26th मई था, और वहाँ की जो स्विट्जरलैंड जो था कंट्री है वहां पर 26th मई को साइंस डे के रूप में उन्होंने, उस कंट्री ने साइंस डे के रूप में डिक्लेयर कर दिया। In 2013, he was the recipient and won the bronze award from the National Space Society to recognize excellent in the management and leadership in space related project. और 2013 में भी उन्हें एक एक्सीलेंसी अवार्ड के रूप में मिला, एक ब्राउन अवार्ड दिया गया था कि जो भी व्यक्ति इस तरह से काम करता है
एक स्पेस रिलेटेड प्रोजेक्ट में उनको अवार्ड मिला था, दिया जाता है वही उनको अवार्ड दिया गया था। हाँ देखिए यहाँ पर हमें अवार्ड एंड ऑनर्स जो है वो अवार्ड्स के साथ में कलाम हमको दिख रहे हैं, जो अवार्ड्स उनको मिल दिए गए थे उनके साथ में कलाम जो है हैप्पीली हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हाँ देखिए फेमस बुक्स रिटन बाय कलाम, उन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी, मीन्स वो बहुत बड़े थिंकर्स भी रहे थे। वो उन्होंने जो बुक्स लिखी उनमें इंडिया 2020, इस 2020 में वो नहीं है लेकिन इस बुक का नाम उन्होंने लिखा है, बुक लिखी है उसका नाम था इंडिया इन 2020, इंडिया 2020 द विंग्स ऑफ फायर एंड इग्निटेड माइंड, मीन्स ज्वलंत मस्तिष्क, द विंग्स ऑफ फायर, ठीक है ये बुक्स उनके द्वारा लिखी गई है। हम आगे देखिए द फेमस सेइंग ऑफ कलाम, उन्होंने क्या क्या विचार रखे हैं, ठीक है उनके विचार जो हैं बहुत फेमस रहे हैं, ठीक है द बेस्ट ब्रेन ऑफ द नेशन मे बी फाउंड ऑन द लास्ट बेंचेस ऑफ द क्लासरूम, उन्होंने कहा था कि इस देश के जो सबसे जो बेस्ट ब्रेन होता है वो लास्ट बेंच पर मिलता है, उन्हें उनका मानना था। वो ऐसा माना करते थे कि जो लास्ट बेंच पर जो लोग होते हैं वो बहुत कुछ सोच सकते हैं, बहुत कुछ आगे कर सकते हैं, मीन्स उनको हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए, भले ही वो पढ़ाई में कमजोर हो लेकिन वो दूसरे फील्ड्स में आगे आ सकते हो, राष्ट्र का भविष्य बना सकते हैं, मीन्स हमें उनको इस मार्गदर्शन की आवश्यकता है। हाँ देखिए और उनके कुछ थॉट्स हैं, ऑल बर्ड्स फाइंड शेल्टर ड्यूरिंग रेन बट ईगल अवॉइड रेन बाय फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, मीन्स वो ऐसा मानते थे कि जो सभी बर्ड्स जो हैं वो घोंसले बनाती है उनमें रहा करती है बरसात के समय में, लेकिन ईगल जो है वो बादलों से ऊपर उड़ जाती है और ऊपर उड़कर वो बादलों को बता देती है कि हम उनसे भी ऊपर उड़ सकते हैं, मीन्स जो ड्रीम्स जो हैं वो हमें छोटी नहीं रखना चाहिए बहुत बड़ी रखना चाहिए। इसके लिए उन्होंने यहाँ पर लिखा है ड्रीम इज नॉट वॉट यू सी इन स्लीप, ड्रीम जो है वो नहीं होती जो आप सपने सोने में देखते हो, इट इज द थिंग्स, वो ऐसी ऐसी ड्रीम्स होती हैं जो आपको सोने नहीं देती, विच डज नॉट लेट यू स्लीप, जो आपको सोने नहीं देती हैं वो सपने हुआ करते हैं, ड्रीम्स ड्रीम इन ड्रीम। स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने ऐसा कहा है कि सपने देखो सपने देखो सपने देखो और तुम सपने देखो, इस तरह के सपने देखो, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू थॉट्स, ऑल थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन, ऐसे सपने देखो कि तुम उनको ट्रांसफॉर्म कर सको विचारों में और वो विचार जो है आपकी प्रतिक्रियाएं बन जाए, तुम ऐसे सपने देखो, ऐसा कलाम स्टूडेंट्स के लिए कहते हैं, सब मानते थे। टू सक्सेड इन योर मिशन, अपने मिशन में सक्सेस होने के लिए, ठीक है यू मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल, यदि अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो तो सफलता प्राप्त करने के एक अपने लक्ष्य को बना लो और उस लक्ष्य को बनाकर उसके अकॉर्डिंग हमेशा चलते रहो, एक सिंगल डिवोशन सिर्फ अपने लक्ष्य के प्रति सजेस्ट रहो, उस एक लक्ष्य के प्रति हमेशा चलते रहो, ऐसा कलाम के ये वचन है, कलाम ने ऐसा कहा है, कलाम किस तरह के थॉट्स रहे हैं, बहुत सारे लोग इन थॉट्स को फॉलो भी करते हैं और अपने जीवन में सफलताएं भी प्राप्त करते हैं। हाँ कंक्लूजन क्या है, लेट मी डिफाइन लीडर, उन्होंने कहा था कि मुझे लेट मी डिफाइन लीडर, वी मस्ट वी हैव विजन एंड पेशन नॉट बी अफ्रेड ऑफ प्रॉब्लम्स, हमें इस तरह के लीडर्स चाहिए, हमें इस तरह के लीडर बनना है कि हमें किसी भी तरह की समस्या से हम डरना डरे नहीं, इंस्टीड ही शुड नो हाउ टू डिफीट इट, जबकि एक लीडर को समझना चाहिए कि उन समस्याओं को किस तरह से हरा सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ही मस्ट वर्क विद इंटेग्रिटी, मीन्स हमें बहुत जरूरी है कि हम काम करें और वो भी एक साथ मिलकर काम करें तो हम बड़ी से बड़ी समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। देखिए मैसेज टू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली मैसेज कलाम ने कई बार दिए हैं, हमने यहाँ पर उनको कंक्लूड किया, यहाँ पर उनको हमने बताया है अब्दुल कलाम्स मैसेज टू ऑल, द एम इन दैट अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाइए, एक्वायरिंग द नॉलेज, हमेशा नॉलेज को एक्वायर करिए और बहुत मेहनत करिए, हार्ड वर्क करिए, परसेवेरेंस रहिए, मींस परसेवेरेंस मींस कंटिन्यूसली अपने जीवन को मैं कंटिन्यूटी रखिए कि हमको वो लक्ष्य पाना है, हम उसको हमेशा प्राप्त करने का प्रयास करते रहेंगे,
ऐसा हमको ध्यान रखना है। जो एक और थॉट जो हमने पहले भी पढ़ लिया, ड्रीम 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 एंड ड्रीम ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। हमेशा सपने देखो, ऐसे सपने देखो जो कि विचारों में बदल जाएं और विचार जो है वो एक्शन में बदल जाएं, ताकि अपन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लो। लाइफ एंड टाइम आर द वर्ल्ड्स बेस्ट टीचर्स। जो जीवन जो है और समय है ना, वो जीवन के बहुत अच्छे शिक्षक हैं। एंड लाइफ टीचेज अस टू मेक गुड यूज ऑफ टाइम, और लाइफ हमको बताती है कि हमें टाइम का सदुपयोग करना चाहिए। एंड टाइम टीचेज अस द वैल्यू ऑफ लाइफ, और टाइम समय हमें बताता है कि जीवन जो है वो बहुत मूल्यवान है। इस तरह के वचन कलाम के रहे हैं बच्चों, और इस तरह से जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू स्टूडेंट्स।